अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं चाय खाना और मैं हूं आपका मेज़बान हसब रिवायत खुरम सोहेल। हसब रिवायत मेरा नाम नहीं है, यानी हसब रिवायत में बहुत खुशी होती है मुझे उस वक्त जब मेरे चाय खाने में कोई ऐसी शख्सियत मेहमान के तौर पर आती है जिसके बारे में ना सिर्फ हम सोचते हैं बल्कि उसके काम को देखकर दिली खुशी होती है और ये एहसास होता है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह से लोग अपना काम करने लग जाएं तो कोई बईद नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि वो शोभा तरक्की नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बग़ैर और तजस्सुस ख़त्म करते हुए मैं मुतारिफ़ कराऊँगा हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के मारूफ़, मकबूल और शानदार अदाकार, बेहतरीन इंसान जनाब राशिद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए, क्योंकि मैं तो बतौर सहाफ़ी बहुत दुहाई देता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख़ास तौर पे फिल्म के शोबे में पैरेलल सिनेमा की है हमें, वो और किसी चीज़ की नहीं है। और अगर चंद लोगों के हम नाम लें कि जिन्होंने इस सिनेमा का रंग अपनाया अपने काम में कमर्शियल काम करने के साथ साथ, तो उनमें से एक आप भी हैं, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा सिनेमा होता है, पैरेलल और कमर्शियल नहीं होता। ठीक है, सिनेमा है, ठीक है, उसे लोग देखने जाते हैं, टिकट लेके देखते हैं, उसकी सक्सेस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे लोग देखना चाहेंगे तो वो पसंद की गई है, ज़्यादा पैसे कमाएगी। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल फिल्म ही अच्छी फिल्म हो और उसी की ज़रूरत हो, उस आइटम नंबर की ज़रूरत हो, उसमें गाने भी होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक, फिल्म किसी तरह की भी हो सकती है, कोई स्टोरी है जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अब उसे जब आप पैरेलल के खाने में डाल देते हैं ना तो वो कुछ और बन जाती है, अब वो अलग अलग हो गई। सिनेमा सिनेमा है। ठीक है, बिल्कुल, सिनेमा में किसी फिल्म में आइटम नंबर नहीं है, नहीं है, ठीक है, स्टोरी है, यानी कहानी की जरूरत के मुताबिक फिल्म होनी चाहिए, मतलब रियलिस्टिक फिल्म होनी चाहिए जैसी नजर आती है। अब कमर्शियल सिनेमा को आप ख्वाबों ख्वाब भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हम देखना चाहते हैं वो हम पूरे नहीं होते तो हम पर्दे पे देख के खुश हो जाते हैं, और एक रियलिस्टिक सिनेमा है जी कि जो हम महसूस करते हैं वो हम दिखाते हैं सिनेमा को और लोगों को भी महसूस कराते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारी इस साल की फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामजद होकर गई वो लाल कबूतर है और इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। कमाल खान जो डायरेक्टर हैं उनके साथ साथ और कास्ट के साथ साथ आपका भी बड़ा हिस्सा है लाल कबूतर को सही मानों में लाल कबूतर बनाने में, तो ये कैसा रहा ये तजुर्बा आपका? अच्छा, ये तजुर्बा मेरे लिए अब तक मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सीखने वाला और सबसे ज़्यादा अपने आप अपना जो फ़न मेरे अंदर है उसको दिखाने का मौका देने वाला एक तजुर्बा था मेरे लिए। इसमें मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ पर लोग जो हैं अपने काम के अलावा कुछ नहीं करते, मतलब इश्क, वाह, मुझे नज़र आया कि ये होता है इश्क, सिर्फ किसी लड़की से इश्क नहीं होता, अपने काम से भी इश्क होता है, और वो क्या होता है, वो ये होता है। इतनी वेल प्लान शूट मैंने कभी नहीं अपनी 25 साल कैरियर में देखी, अच्छा, जिसमें कोई गलती ही ना हो, जो एक्यूरेट जितनी दिन की वो शूट प्लान की गई है उतने दिन में वो पूरी हो जाए, और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, मतलब ऐसे क्वालिफाइड लोग मैंने भी नहीं देखे जिनकी, मतलब डायरेक्टर कमाल मेरे लिए एक अजीब सा इंसान है, अच्छा, मतलब इतना कैलकुलेटेड शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, हालांकि मैं उसे काफ़ी दिन से जानता हूँ, वो भी मुझे काफ़ी दिन से जानता है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें उसके साथ की भी हैं, लेकिन अब वो इतना ऑर्गेनाइज, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना अच्छा जहन रखने वाला इंसान बन जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस में मुझे नज़र आया, इस फिल्म प्रोसेस में ऑडिशन से लेकर और आखिरी दिन जब मैं उससे गले मिला, वाह, उस वक्त तक
میرا دل چاہتا تھا یہ فلم کبھی ختم نہ ہو. کیا بات ہے, روز میں اس کی شوٹ. کیا بات ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھے ایکٹر کو ایک اچھا ڈائریکٹر مل جائے تو پھر وہ جو دو آتشہ تخلیق بنتی ہے یہ وہی بنی. اور اسی لیے اس نے ایک پہلی فلم تھی کمال خان کی, اس کے باوجود انہوں نے توجہ حاصل کی. اور میں نے بھی ان کی فلم کو جب ریویو کیا, پہلی بار ان کا ٹریلر دیکھا اور پھر فلم بھی دیکھی, تو مجھے بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ آدمی کہاں سے آ گیا اور کون ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ حیرت کا دائرہ پھیلتا گیا اور آپ اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ کمال سے جو ہے وہ محبت بھی کرنے لگے اور اس کے کام کو سراہنے بھی لگے. اور پھر اب اس فلم کی آسکر کے لیے نامزدگی جو ہے ایک ثبوت ہے کہ وہ فلم اس قابل تھی. تو اب لیکن اس فلم میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے تو بہت سارے پولیس والوں کے کردار ادا کیے, لیکن اس میں کچھ تھا ایسا کہ بالکل جو ہٹ کے تھا. اچھا, مجھے ایسا لگتا تھا ہمیشہ سے جب بھی میں کوئی پولیس والے کا یا اس طرح کا نیگیٹو رول کرتا ہوتا تو میں اسے کرتا تو پورے اپنے انر کے ساتھ ہوں اور اس میں چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں, ریئرس کرتا ہوں, پھر اسے پرفارم کرتا ہوں. کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ٹھیک, مطلب اگر کوئی نیگیٹو کیریکٹر ہے وہ نیگیٹو ہی نہیں ہوگا, کچھ سچویشن میں تو وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. بالکل, اس پرٹیکولر رول میں مجھے ایسا لگا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بیٹی سے بہت محبت. کیا بات, اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا مجھے نظر آیا اس میں, ایسا ریلیشن شپ اس کا ہے. لیکن باہر وہ جو اس کا جاب ہے, کیونکہ وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے, کرپشن بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن جب وہ ایموشنز میں جاتا ہے تو وہ بالکل ایک سچا صاف ستھرا سا انسان بن جاتا ہے. اور یہ کسی بھی کیریکٹر کو پلے کرنے کے لیے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ میں نے ایک کیریکٹر کے حوالے سے نہیں, یہ میرے مطلب کسی بھی ایکٹر کے سارے علم پہ محیط ہوتا ہے, جتنی بھی اس نے ایکسپیرینسز کیے ہیں زندگی میں, جتنی زندگی گزاری ہے, جتنا لرن کیا ہے. وہ جب بھی کوئی کیریکٹر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں تو اسے ویسے ہی صرف سوچ میں آ جاتی ہیں اور اسے پلے کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس میں بھی مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی, نہ میں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کی. اس سے پہلے کے بہت سارے کاموں میں میں نے کافی کیا ہے, جیسے رام چند پاکستانی کے لیے آپ نے بڑا ہوم ورک کیا تھا. ہاں, اس میں میں نے کافی ٹائم دیا. اس وقت میں میرا ایکسپیرینس بھی, میرا تجربہ اتنا زیادہ نہیں تھا اور میں صرف یہ پرسو کر رہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے کلچر کو سمجھ لے, ان کو دیکھیں, اس کی باڈی لینگویج کو کس طرح یا اس کی کیریکٹرسٹکس کو کس طرح میں اپنے اندر انٹرنلائز کر کے پھر میں کیریکٹر کروں, وہ تجربہ اپنی جگہ الگ تھا. یہاں جو لوگ مجھے ملے نا, کمال کے علاوہ بھی مطلب جو میرے پروڈیوسر تھے, چیما فیملی, دونوں بہن بھائی, بالکل یار, ویسے پروڈیوسر ابھی تک نہیں ملے. مطلب ایسے ہونے چاہیے یار جو, مطلب ٹھیک ہے ایک فلم بنانا ضرور ایک بزنس بھی ہوتا ہوگا, لیکن یار مطلب ضروری ہے کہ برے طریقے سے کوئی بزنس کیا جائے, یہ ہے تو ایک آرٹ ہی نا. صحیح بات, تو ہم آرٹ کیوں نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کی یہ جو فلم تھی جس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی نوجوان ہیں, تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ پروفیشنلزم اگر ہمارے اندر آ جائے اور تو پھر اور بہت بہتر کام ہو سکتا ہے. اور یہ ایک عملی ثبوت تھا یہ فلم. مجھے ایک اور بھی چیز لگتی ہے, وہ چیز یہ لگتی ہے کہ ہمارے جیسے کراچی میں ہم بیسڈ ہیں, تو کراچی میں کچھ یونیورسٹیز فلم پڑھاتی ہیں. بالکل پڑھاتی ہیں, وہ انہوں نے سلسلہ ابھی تھوڑے دن چند سال پہلے ہی شروع کیا. اب ان کے تیار ہوئے لوگ آ گئے مارکیٹ میں, آ گئے. ابھی انہیں خرید کوئی نہیں رہا, مطلب ان سے کام نہیں لے رہے, پوری تیار ہیں. اور وہ ایسا کام کرتے ہیں, میں نے ابھی ایک اسٹوڈینٹس کی تھیسس کی فلموں میں, آپ نے کئی فلموں میں کام کیا, میں نے بھی دیکھی. ایک لڑکے عابد رضوی, ایک لڑکا ہے زیبسٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے مجھے کہا کہ میں نے فلم کرنی ہے آپ کے ساتھ. میں نے کہا بیٹا آپ مجھے اسکرپٹ دو, میں اس میں دیکھوں گا آپ کر کے آ رہے ہو. تو میں نے اسکرپٹ پڑھا اور میں پاگل ہو گیا, اتنی اچھی اسٹوری. مطلب اس میں کوئی بڑی چیز نہیں دکھائی گئی, بہت ہیومن ریلیشن شپ پہ کہانی ہے. ٹھیک, اور ایسی جو روایتیں بھی ہیں جس میں پوری کلچر بھی نمایاں ہے, سب چیزیں. میں نے کہا بیٹا میں ضرور کروں گا. اور میں نے اس کے ساتھ وہ فلم کی, مجھے بہت مزہ آیا. مجھے ایسا لگا جس لال کبوتر نے پچھلے سال کی تھی,
इस साल मुझे ऐसा लगा मैंने इस साल का काम कर लिया। वाह। हालांकि वो 20-22 मिनट की फिल्म है। वाह। लेकिन उसकी बुनत, उसका पेस, उसमें एक्टिंग, उसमें डायरेक्शन, उसमें फोटोग्राफी कमाल है। वाह वाह, मजा आ गया। क्या बात है। तो मैं स्टूडेंट की फिल्में भी इसीलिए करता हूँ, मुझे एक नई अप्रोच मिलती है, मतलब अब ये लोग आ रहे हैं। तो आपका वो जो स्टारडम है कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार, बहरहाल आप बहुत मशहूर और हमारे बड़े मकबूल है अदाकार भी हैं, तो वो स्टारडम आड़े नहीं आता कि मैं स्टूडेंट्स की फिल्में क्यों करूं? या इसकी वजह ये है कि चूंकि आपने शुरू थिएटर से किया था तो वो थिएटर का जो एक देसीपन है वो उसने मदद की? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस इतनी सी बात है, मैं इस बात पर बहुत क्लियर हूँ कि मैं एक प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, ये मुझे करनी होती है, लेकिन मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर कर ही लेता हूँ, इसके मुझे कुछ मुआवजा मिलेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट भी, उनसे मेरी यही बात होती है, यार आप कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर पे करेंगे, ठीक है, जो भी आप करें। स्टूडेंट से मैं कुछ तय नहीं करता कि मुझे इतने पैसे दो इतने दो, जितने पैसे तुम्हारे पास है बेटा आपको देने ज़रूर। बिल्कुल ठीक, मेरा इंटरेस्ट इसी से डेवलप है, और मैं कमाल भी काम कर लूंगा ना, वो थोड़े से पैसे मेरे लिए बहुत हैं। वाह। उसमें अल्लाह इतनी बरकत डालता है कि मुझे कभी भी भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह। कभी इतना चाहा भी नहीं कि इतना मिल जाए। कनात एक शुरू से ही, मतलब इतना मिल जाए, अल्लाह से हमेशा दुआ की कि इस काम को करता हूँ, इस काम करने से इतना मिल जाए जितनी मेरी जरूरत है, और अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 20-25 साल का तो आपका कैरियर 25 साल का होगा। 25 साल में आप मुतमईन हैं, कभी कोई तंगी परेशानी नहीं हुई? मैं मुतमईन हूँ, मेरी बीवी मुतमईन नहीं है। नहीं, वो तो मेरी भी नहीं है और किसी की भी नहीं हो सकती। वो कहती है कि पैसे कमाओ, ये किन चक्करों में पड़े हुए हो, उसे नहीं पता, वो नहीं जानती। मेरी अपनी ज़ात के साथ एक कमिटमेंट है जो मैंने 25 साल पहले की थी। दुरुस्त। कि मैं एक काम करूँगा और उस काम के अगेंस्ट या उससे मिलने वाली आमदनी से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। ठीक। और मैं आज तक उस पर कायम हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर ही गुजारूँगा। क्या बात है। ये कमिटमेंट जो है, अगर ये हमारे बाकी लोग जिनका ख़ास तौर पर शिकवा रहता है कि इस इंडस्ट्री में मसला है, पेमेंट्स का भी मसला है और लोग पैसे भी नहीं देते, तो इन हालात में भी आप कह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं, तो ये बड़ी बात है, पॉजिटिव बात है। अभी तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह पर खड़ी हुई है। अच्छा। मैंने 25 साल जब पहले शुरू किया था तो इसको इंडस्ट्री भी कोई नहीं कह सकता था, एक दो चैनल थे। मेरा ईमान था और अब तक है कि मैं अगर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, जो मेरा काम है एक्टिंग जी, इसको मैं अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, और 25 साल तक तो अभी तक तो नहीं रोक सका है, और अल्लाह ने चाहा तो मरते दम तक करना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत अच्छी अप्रोच है और हमें इसी तरह की अप्रोच की ज़रूरत है। अच्छा, आपने और भी कई फिल्मों में काम किया और एक टेली फिल्म से आपने अपनी फिल्म के कैरियर को शुरू किया, लेकिन फिर फीचर फिल्म के तौर पर रामचंद पाकिस्तानी पहली फिल्म आप, फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्में बीच में आपने की, छोटे बड़े किरदार, बहुत सारी नहीं की, 4-5 फिल्में तकरीबन। हाँ, उसमें जैसे मालिक में आप मालिक थे, में पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर था, और एक दो इसी तरह। तो वो काम कैसा आपका तजुर्बा रहा? वो भी मेरे, मैं ये समझता हूँ कि मेरे प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है। जैसे मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊँ, मैं 10 साल इस लाल कबूतर बनने से 10 साल पहले कमाल खान से मिला था। ठीक। जब वो नया नया वापस आया था और उसने मुझे कहा कि मुझे फिल्म बनानी है। ठीक है। ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल, आपके साथ काम करेंगे। मैंने काम किया, तजुर्बाती था, मुझे पता था इस वक्त वो इस लेवल पे है, लेकिन मुझे उसमें स्पार्क नजर आता था हमेशा से। ठीक। क्योंकि वो बहुत, मतलब ऐसी बातें करता था और ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती थी चीज़ों के बारे में या फिल्म के बारे में जो मैंने किसी से भी नहीं सुनी थी। उसे 10 साल लगे। 10 साल लगे इस इंडस्ट्री में। उसने असिस्टेंट से लेकर हर तरह का काम किया है। वाह। इवन वो कभी किसी स्कूल में एक्टिंग पढ़ाने लगा, मतलब उसने फिल्म क्लब बना लिया है, वहाँ पर वो पढ़ाने लगा। वाह। वो नहीं हुआ, वो ख़त्म हुआ, वो उसका वाइंड अप हुआ, तो वो कोक स्टूडियो में रॉयल का असिस्टेंट हो गया, वो वहाँ पर काम करने, उसने अपने आप को रोका नहीं, और उसके दिमाग में जो मकसद था वो उसको याद पे वो फोकस रहा, और जहाँ उसने मौका मिला उसने काम करने की कोशिश की।
क्या बात है, ये देखिए आप, सही बात है, कमाल हमारा ये शो देख रहे होंगे और कमाल चूंकि कैमरे के पीछे की दुनिया के आदमी हैं तो सामने आने से ज़रा से शाये हैं, लेकिन कमाल देखिए आज आपको हम डिस्कस कर रहे हैं ये है कमाल इसमें बामुसम्मी मैंने इतना ज़बरदस्त किसी को एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो उसका नाम कमाल है, वो खुद कमाल है, खुद कमाल है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टीवी में आपने हर तरह का किरदार अदा किया और बहुत ही मज़ेदार काम है आपका टीवी का, मैं किसी एक ड्रामे का नाम लेके वो स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जो काम सबसे ज़्यादा आपको लगा होगा टीवी के शोबे में, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है काम के तौर पर। टीवी ने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं एक्चुअली पहले थिएटर करता था, थिएटर जब इस शहर में वायलेंस बढ़ा थिएटर वाइंड अप हो गया, ठीक थिएटर नहीं करते, मेरे पास मेरा तार एक्टिंग से जोड़ चुका था अंदर से कहीं से, उस वक्त तक मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं अब टेलीविजन करूँगा, दोस्तों से पूछ पछा के किसी तरह पहुँच गया, आज तक लोगों से दरख्वास्त की, हमारे गजनफर साहब थे, ठीक उनके पास पहुँच गया, सर मैं एक्टर हूँ बनना चाहता हूँ ये, उनको शायद मेरी बात सच लगी, उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, उन्होंने मुझे प्रोफेशनलिज्म भी सिखाया और आज तक मैं उनकी कही भी बातों को याद रखता हूँ जब मैं कोई भी डील करता हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ। और टेलीविज़न मेरे लिए एक प्रैक्टिस बन गया, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था जैसे मैंने एक सीरीज़ की मैरिन जब्बार के साथ, कहानियाँ नाम था, ठीक 13 डिफरेंट प्लेस थे, ठीक वो कोई 50 मिनट की फिल्म समझ लें आप, ठीक उसमें 13 डिफरेंट प्लेस में 5 एक्टर उसने मुंतखब किए कि ये इन पांच, ये 5 एक्टर्स तो होंगे ही जो डिफरेंट कैरेक्टर करेंगे, ठीक है ठीक है। जब मैंने सीरीज करी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे पिछला काम जितना भी किया था ना वो सिर्फ इसलिए किया था कि ये इस सीरीज को मैं बहुत अच्छा कर सकूं। वाह। उसके बाद जब मैंने रामचंद्र पाकिस्तानी की तो मुझे ऐसा लगा कि जो पिछला काम था ना वो सारा इसमें मुझे इस्तेमाल हुआ, शायद इसलिए था। और अब लाल कबूतर की तो ऐसा ही लगा जितना मैंने टेलीविजन, टेलीफिल्म, कमर्शियल जो कुछ भी किया वो सारे कुछ ने इस कैरेक्टर को हेल्प किया जो मैंने अब किया। क्या बात है, असल में ये आपकी अच्छाई है अंदर की कि आपके अंदर जो इर्तिका हो रहा था या हो रहा है अब तक, वो आपने अपने हर बार पिछले तजर्बे से सीखा, उससे लेकर फिर अगले वाले काम में उसको आपने उंडेला और इस तरह वो चीज़ें तखलीक दर तखलीक होती गई। बहुत आसान सी बात है, आप इस टेबल पे रोज़ाना 50 बार उंगली मारते रहे ना, एक महीने के बाद इस उंगली में ही कोई बात पैदा हो जाएगी। वाह। रियाजत मुझे बहुत सारे मौके मिले कि मैं लोगों के साथ वर्कशॉप करूं। ठीक है। थिएटर जब ख़त्म हुआ और टेलीविज़न जब मैं नहीं गया था तो बीच का एक टाइम था, मुझे मौका मिला कि जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ, अच्छा एक जॉब मिल गई मुझे, एक स्टडी हो रही कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चों में अगर थिएटर बच्चों के साथ किया जाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल का क्या वो होता, अच्छा, है बढ़ता है कम होता है, स्टडी उन्होंने करनी थी और मुझे मौका दिया गया कि आप करें, तो मैंने एक थिएटर वर्कशॉप डिज़ाइन की, अच्छा, जो कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जो पहले थिएटर वर्कशॉप की हुई थी उन्हीं के आधार पर थी, उन्हीं से निकाली हुई चीज़ों वो अपनी मैंने डिज़ाइन करी, ठीक वो मैं मुख्तलिफ बच्चों के साथ भी करता था, टीचर्स के साथ भी करता था, वालदैन के साथ भी करता था, अच्छा, और जो वहाँ पर पेड वर्कर काम करते थे उस प्रोजेक्ट में उनके साथ भी करता था, अच्छा डिफरेंट। अच्छा, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था उसमें, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 1-1.5 साल इस तरह निकाल भी लूँगा ये करते हुए तो कुछ नहीं होगा, मेरा सोशल एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़ेगा ना। सही बात, मैं इतने लोगों से मिलूँगा, इतनी चीज़ें सीखूँगा, और वही हुआ कि मैंने बहुत बेनतहा चीज़ें सीखी। उसके फौरन बाद मुझे जो है यहाँ पर एक पाकिस्तान का एक सोप ऑफर हो गया। वाह, क्या नाम था? जाल। ओए होए होए, अच्छा हाँ जाल ये तो मुझे अभी याद आ रहा है, आप जाल में भी थे, बिल्कुल जाल मुझे याद नहीं था, एक नेगेटिव कैरेक्टर। अब मैं 1-1.5 साल जो है ना लोगों के साथ गुजार के आया हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये था, क्या मतलब बहुत हाई था,
और मुझे मौका मिला एक नेगेटिव कैरेक्टर क्या प्ले करने का. हम मेरा ख्याल है ब्रेक से वापस आकर जाल से ही शुरू करेंगे. जाल से तो बड़ी पुरानी हमारी स्टूडेंट लाइफ की यादें आपने ताज़ा कर दी. मेरे देखने वाले मेरे साथ हैं, वापस आते हैं और राशिद भाई से फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं. जी तो बात हो रही है राशिद फारूकी साहब से और क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू और माजी का दौर और हाल का दौर और इस साल की जो ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली हमारी पाकिस्तानी फिल्म लाल कबूतर उसकी बातें सब कुछ चल रहा है. तो राशिद भी जाल के बारे में आप बता रहे थे, पहला पाकिस्तान का सोप और इतना लंबा एक चलने वाला ड्रामा उसमें आपने काम किया. तो वो आप अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि वो भी बहुत उसमें आपने ये सीखा कि एक किरदार में कैसे इतनी देर तक रहा जा सकता है. अरे मैं थिएटर ज़माने में करता हुआ था. ठीक है अब लकीली मैं एक थिएटर कर रहा था. गजनफर साहब जो इस प्ले के डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, वो राइटर फिरदौस हैदर के साथ वो ड्रामा देखने आए. ठीक. वो ड्रामा उन्होंने इतना पसंद भी आया, मेरा किरदार भी पसंद आया. वापस आया फिर मुझे फ़ोन आया कि आके हमसे मिलो. मैं उनके लिए पहले भी काम करता रहा हूँ, मेरी मुलाकात पहले हो चुकी. ठीक. मैं चला गया उनके पास. उन्होंने कहा यार ये है, मैंने पढ़ा शुरू में, मैंने कहा सर ये मतलब मेरे कद से बड़ा तो नहीं. उस ज़माने में प्रोफेशनल एक्टर नहीं था. ठीक. मैं अपना काम करता था और उसके साथ वो कर रहा था. ठीक. उन्होंने कहा नहीं नहीं हम करा लेंगे. ठीक है. फिर मैंने वो शुरू किया और उसमें मुझे यही मतलब सबसे ज़्यादा मेरे लिए अट्रैक्शन ये थी कि मैं एक कैरेक्टर में देर तक रहूँगा. अच्छा. काफ़ी दिन तक वो ड्रामा चलना है, मुझे हर वीक में उसकी शूटिंग करनी है. ठीक है. साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. अब वो ज़िंदगी गुजारने के दौरान जो बातें समझ में आ रही हैं या मेरी उसी इल्म बढ़ रहा है, वो जाहिर है उससे मेरे कैरेक्टर को भी तकवीत मिल रही है. मतलब हाथ के हाथ तजर्बा वो चीज़ों पर. एक्चुअली हो सिर्फ ये रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा था. ठीक है एक वक्त पे वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि एक तो वो नेगेटिव कैरेक्टर था, उसमें मार्जिन होता है आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखाने का. ठीक. उसमें मुझे बहुत मार्जिन था, जगह जगह पर मैं लोगों के साथ बहुत जातियाँ कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी. वहाँ जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो वो चीज़ें अच्छी होने लगी, जिससे मुझे जाहिर है एक ज़िमनी सवाल ऐसी आ रहा है जहन में कि नेगेटिव किरदार अदा करने वाले लोगों के बारे में जो ड्रामा देखने वाले लोग होते हैं वो जज्बाती भी होते हैं कि ये मनफी किरदार है, लेकिन बतौर अदाकार क्या हकीकी ज़िंदगी में भी आपको कभी किसी मद्दा की नफ़रत या उस रिएक्शन का सामना करना पड़ा? एक बड़े मज़े के वाक़ बताऊं कि मैं ये रामचंद पाकिस्तानी में कास्ट हो चुका था. ठीक है. और मैं उसकी रिहर्सल पर गया हुआ था तो एक साहिबा मैंने इनसे मिलने आई थी और वो वापस जा रही थी और मैं रिहर्सल के लिए आ रहा था. ठीक. तो मैरिन उन्हें छोड़ने जा रही थी. उन्होंने मुझे देखा, डायरेक्ट उस मैरिन से बोला इस आदमी से मैं नफरत करती हूँ. अच्छा. मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूँ. वाह वाह. और यकीन है मुझे रामचंद पाकिस्तानी के बाद वो मुझसे नफरत नहीं करती. वाकई वो किरदार भी बड़ा मज़ेदार और बड़ा जज्बाती किस्म का किरदार था. अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पे आपकी दो बड़ी फिल्में अगर मैं एक फिल्म बीन के तौर पर देखूं तो रामचंद पाकिस्तानी में भी एक वालिद है और लाल कबूतर में भी एक वालिद है. इसका मतलब है आप वालिद भी बहुत अच्छे होंगे हकीकी ज़िंदगी में. नहीं, इसका मकसद ये है कि मैं वालिद की उम्र को पहुँच गया हूँ तब मुझे फिल्में मिली हैं. वैसे टेलीविज़न में मैं वालिद के अलावा भी बहुत कुछ प्ले कर चुका हूँ, लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है. इमोशंस इस सिचुएशन में जब किसी रिलेशनशिप और फिर बाप बेटे का या बाप बेटी का इस तरह का रिलेशन होता है तो उसमें इमोशंस बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, तो आपके अंदर से आते हैं. अंदर से. अरे मैं भी एक बेटी वाला हूँ और मुझे भी जाहिर है बहुत ज़्यादा वो इस हवाले से अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे. तुम अगर वो इस सिचुएशन से गुजरे इस तरह की तो मुझे भी उतनी तकलीफ़ होगी. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक. अच्छा, थिएटर में मुसद्दक़ सामिल आपके दोस्त, हमारे बड़े मुल्क के मारूफ सहाफ़ी
کچھ عرصہ پہلے وہ ہم سے بچھڑ گئے, تو وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی ایسوسیشن یا جس کس طرح یہ سلسلہ بنا, اور بانگ کے نام سے جو تھیٹر گروپ آتا تھا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہم شاہ فصل کالونی ایک علاقہ اس ریلیم میں رہتے تھے جی, اور وہاں کچھ پولیٹیکل ورکر تھے, انہوں نے کہا یار ہم تھیٹر کے ذریعے جو ہے نا اس اپنے پیغام کو پھیلائیں گے اور تھیٹر کریں گے. ٹھیک. ایک صاحب نے تھیٹر لکھا, ایک اس کے ڈائریکٹر بن گئے. ہمیں ایسے ہی پکڑا کہ یار تھیٹر کر رہے ہیں آ جاؤ. اچھا. ہم نے کہا چلو اچھا دیکھتے ہیں کیا بات ہے. اس وقت تک آپ نے تھیٹر نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے ایک مولوی کا رول دیا, بڑا اسٹیریو ٹائپ سا تھا, ہم نے یہ کرنا ہے. اب جو کچھ بھی ہمارے دماغ میں مولوی کے لیے تھا نا وہ ہم نے سب اس میں ڈال دیا, اور وہ اسٹیج بھی ہو گیا. اچھا. اور کسی حد تک اسے کچھ لوگوں نے پسند بھی کیا. ٹھیک. اب وہ ٹائم تھا کہ جب میں بہت شروع میں بہت شائع آدمی تھا, میں کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا. اچھا. کیونکہ ایک دفعہ میں اسکول میں تقریر کر رہا تھا اور تقریر بھول گیا تھا تو اٹھی ہونے لگی تو اس طرح سے, اور میں نہیں کر سکا, پھر گھبرا گیا. اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ کہ میں ایک این ٹی ایم کے ایک پروگرام میں گیا جو سالگرہ کا پروگرام تھا. اچھا. وہاں معین اختر صاحب نے بولا بھائی جو ایکٹنگ کے شوقین ہیں وہ آ جائیں اسٹیج پہ. میں بھی چلا گیا اسٹیج پہ. اچھا. اب وہاں جا کے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں سخت امبیرس ہو گیا اور میں کچھ پرفارم نہیں کر سکا, میرا بہت مذاق اڑا. تو میں ویسے ہی بہت ڈرپوک قسم کا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم یہ آپ کا تھیٹر کا سفر ایک بریک چھوٹی سی اور لے لیں, یہ مجبوریاں آپ کو پتہ ہے ہماری, چلیں پھر اس کے بعد تھیٹر پہ بات. پھر اس کے بعد تھیٹر پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا, جلدی سے واپس آتے. جی, تو چائے خانہ میں باتیں ہو رہی ہیں اور اب بات راشد بھائی پہنچ چکی ہے آپ کا وہ تیسرا دور, فلم کے بعد ٹی وی, پھر ٹی وی کے بعد تھیٹر. تو تھیٹر یہ آپ الٹی ترتیب بتا رہے ہیں, پہلے تھیٹر ہے پھر ٹیلیویژن ہے اور پھر فلم ہے. تھیٹر میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ دور رہا ہے. ٹھیک. اس نے مجھے ایک آٹو پہ چلنے والے انسان سے ایک کانشیس انسان میں تبدیل کیا. واہ. مجھے شعور آیا کہ احساس کیا چیز ہوتی ہے, فیلنگ کیا چیز ہوتی ہے, جذبات کیا ہیں, یہ سب مجھے اس تھیٹر نے دیا. ہاں, وہ آپ جو پلے بتا رہے تھے میں جاننا چاہوں گا اور شاید ہمارے دیکھنے والے بھی, کہ وہ کیسے پھر وہ جب آپ نے ایک رینڈم سا ایک پلے کیا اور کیسے آپ چلے آئے. وہ ایک پولیٹیکل سا تھیٹر ہمیں مل گیا, وہ ہم کرنے لگے, وہ اسٹیج پہ آ گیا, اسٹیج پہ کر لیا, اندر سے ایک تبدیلی محسوس ہوئی, اب یہی کام سے جڑ گئے ہیں. جڑ گئے. وہ تھیٹر گڑبڑ ہو گیا, سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے, جیسے کہ پولیٹیکل چیزوں میں ہوتا ہے وہ سب ادھر ادھر ہو گئے, میں اکیلا رہ گیا. میں نے کہا میں کیا کروں, ظاہر تار جڑ گئی تھی, میں نے پھر لوگ اکٹھے کیے جو باقی بچے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا. ہم نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ, وہ ہمارے پاس اسکرپٹ بھی نہیں تھا. اچھا. ہم مشتاق غزدر صاحب ہیں, وائف ہے سعیدہ غزدر جی, ان کے پاس گئے, ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ڈرامہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میری ایک شارٹ اسٹوری ہے فلانی کتاب میں, اردو بازار سے خریدو اس میں مل جائے گا تمہیں. ہم نے جا کے کتاب خرید, ڈرامے اس سٹوری کا نام تھا ڈاکو. وہ پورا ڈرامہ تھا چھوٹا سا, لیکن وہ تھا 9 منٹ کا. اچھا. 9 منٹ کا بن رہا تھا. کیا کریں, کسی صاحب نے ہمیں کوئی اسکرپٹ دیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, ہم نے اس اسکرپٹ میں سے مال نکالا اس ڈرامے میں ڈالا, اسے 20-25 منٹ کا کر دیا اس ڈرامے کو. اس ڈرامے کا نام ڈاکو رکھا, آرٹس کونسل میں پرفارم کر دیا. اوکے. کچھ اندازہ ہے سال کون سا تھا یہ؟ یہ سال ہوگا 2001 یا 2002. ٹھیک. اس طرح کا. ٹھیک. جناب وہاں بہت پسند کیا گیا, شاید ہماری جو انتھوزیازم تھا وہ انہیں بہت پسند آیا. ٹھیک. اور لوگوں کو, اور کسی نے میگ میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا. اچھا. کہ یار یو ڈیڈ اٹ ویل, تو کیری آن, اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی. وہ پہلی دفعہ اپنے بارے میں پڑھا اور اپنے نام سے پڑھا, اور اس نے ایسا کہا دل تو اتنا بڑا ہو گیا. اسی جستجو میں رہے. مصدق سامل سے ملاقات ہو گئی, ایک تھیٹر ورک شاپ کرنے گئے تھے, وہاں پر وہ بھی تھا, لگا اپنے سے بہتر آدمی ہے. ٹھیک. ہمارا ڈائریکٹر یہ ہونا چاہیے. اچھا. ہم نے اس سے درخواست کی کہ یار, اس نے کہا اب اس کے لیے بھی ایک ایسی بات تھی, وہ جانتا بھی نہیں تھا ہمیں کہ کون لوگ آ گئے مجھے کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر بن جاؤ.
बहर उसने कहा मैं तुम्हें देखूंगा। हमने वही ड्रामा किसी और जगह परफॉर्म किया, जैसे पाकिस्तान मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के ऑफिस में वो हमें मौका मिल गया, हमने वहाँ भी परफॉर्म किया। वहाँ वो देखने आया, वो भी हमारे जज्बे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। ज़ाहिर है वो बाहर से पढ़ के आया हुआ था, बाइल्म ज़्यादा था हमसे, उसने साइंटिफिकली चीज़ों को हैंडल किया, उसने ग्रुप फॉर्म किया, उसमें उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी शामिल किया जो कहा के बाद में हमारे भी दोस्त बने, जैसे मोहम्मद हनीफ जो हैं वो उस थिएटर स्क्रिप्ट लिखते थे उस थिएटर के, जो मुसद्दिक जिसे डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक। और फिर हमने काफ़ी सारे ड्रामे उनके साथ किए। अनफॉर्चुनेटली सब लोग डिफरेंट प्रोफेशन से वाबस्ता था, मुंतशिर हो गए सब, अपने अपने कामों में लग गए, हम लोग फिर रह गए। मैं अब की दफ़ा बिल्कुल ही अकेला रह गया, मेरे साथ कोई भी नहीं। मैंने फिर नए सिरे से टेलीविजन ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, टेलीविजन चला। इस दौरान मुझे बहुत सारी, इस थिएटर के प्रोसेस में मुझे बहुत सारी वर्कशॉप मिली, जो कोई गोएथे इंस्टीट्यूट ने कोई बाहर से जर्मनी से कोई आदमी बुलाया। अच्छा, आपने जो का तहरीके निस्वा ये सब थिएटर के एक्सपीरियंस में नाटक सब सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं किसी एक ग्रुप में रहना नहीं चाहता था। सही। मैं दस्तक का प्ले हो रहा था, मंसूर सईद साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, मैंने कहा मैं आपके साथ भी हूँ, उन्होंने एक ड्रामे में ले लिया, हम उनके साथ लाहौर परफॉर्म करने चले। फिर खालिद अहमद साहब के साथ और सीमा गिरमानी साहिबा के साथ काम करने का मौका, उनके साथ भी काम करता था। अब आपकी गुफ्तगू तो इंतहाई दिलचस्प है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये सिलसिला अब रोकना पड़ेगा, बेअदबी की माफ़ी दीजिए, और बस जाते जाते बताते जाइए उन बच्चों को जो अब ख़ास तौर पे फिल्म और थिएटर का एक्सपीरियंस, पढ़ाई का एक्सपीरियंस लेके इस शोबे में आ रहे हैं, जिनको आप जानते भी हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं, क्या वन लाइनर उन्हें देंगे कि वो इस शोबे में आएँ? जब या अगर आप सोच के आए हैं कि आपने ये काम करना है, आप पढ़ के आए हैं कि आप ये काम करें, तो आपका ईमान होना चाहिए कि आपको कोई नहीं रोक सकेगा। काम आपको खुद ढूँढना है, काम मिलेगा ही मिलेगा, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपको कोई पूछे ना, अपनी दिखाएं ना यार अपनी फनकारी। वाह क्या बात है, बहुत लुत्फ आया, यकीनन आपको भी लुत्फ आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चाय खाने में तशरीफ़ लाए, और कोशिश करेंगे फिर आपको दोबारा कभी जरूर करें। और मेरे देखने वाले जो हैं उनको भी कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में फिर किसी इसी तरह की हर दिल अजीज़ शख्सियत से हम मुकालमा करेंगे। शब्बा खैर।